प्राचीन समय में एक साम्राज्य था मगध। जो लोग यहाँ प्राचीन काल से होंगे उनको पता होगा मतलब जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा, भारत का गर्व, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चाणक्य, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ऐसे लोग रहे। आज इसे बिहार कहते हैं, जहाँ लालू प्रसाद यादव अपने दोनों बेटे तेज प्रताप सिंह तेजस्वी यादव के साथ रहते। शादी मेरी फरवरी में हुई थी और शादी का वीडियो मुझे 8 महीने बाद अक्टूबर में मिला। इसलिए नहीं कि जो हमारे एडिटर थे वो बहुत बिजी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ये कहना था कि करण जौहर और यश चोपड़ा इन लोगों को भी एक बढ़िया फिल्म बनाकर एडिट करने में इतना वक्त लग जाता है। ये सरकार बिहार में शराबबंदी करके बिहारियों को मौत के घाट उतार दी है। चारों ओर बिहारी परेशान गुमसुम बैठे हैं, मायूसी छाई हुई है। शराब ठेका ये सब चलाने वाले, बियर बार चलाने वालों के घरों के चूहे बुझ गए हैं, सड़कों के नालों के रौनके खत्म हो गई हैं। पता नहीं है इस सरकार को लगता है क्या कि ये सब चलने देंगे हम? नहीं। तो एक समय में नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में मशहूर था और पूरे विश्व से बच्चे वहां पढ़ने आते थे और बिहार विश्व को ज्ञान देता था। आजकल बिहार टॉपर्स दे रहा है, एक से एक टॉपर्स, जिनका मीडिया को देखते ही खून सूख जाता है, सर पे हाथ पांव रख के भागते हैं वहां से। ये बताते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, जिसको पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, इसमें खाना बनाने के बारे में बताया जाता है कि बैंगन का चोखा कम आंच पे कैसे पकेगा और तेज आंच हो जाए तो कैसे कब उतार दें। ये भी विश्व को ज्ञान देने वाली बात है, आप भले ना ले। भगवान बुद्ध को भी बिहार आके ज्ञान प्राप्त हुआ था और इन टॉपर्स की वजह से आजकल लोग मुझसे पूछ देते हैं कि भाई उनको क्या ज्ञान मिला था। हमारे यहाँ 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सिखा देते हैं, दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखें और फिर हम कैसी अंग्रेजी बोलते हैं वो आपको भी पता है। या तो हम बहुत अच्छा बोलते हैं या फिर एकदम अपनी घर की बनी हुई देसी अंग्रेजी बोलते हैं। और ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे सीनियर्स की भी रही। श को श, र को ड, अब पूरी दुनिया बोलती है घोड़ा शहर के सड़क पे तुबड़क तुबड़क दौड़ रहा है। हम आज भी बोलते हैं घोड़ा शहर के सड़क पे तुबड़क तुबड़क दौड़ रहा है। डेल्हा फाइट क्लब, सागर पोखरा संघ, बेतिया पश्चिम चंपारण, पिन कोड 845438 आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और जब तक चंदा मिलता रहेगा अभिनंदन होता रहेगा। पापा खड़े हैं, मम्मी जी खड़ी हैं, नीचे लिखा हम आपके हैं कौन, मैं समधी और तू समधन। शादी मेरी सेटिंग किसकी करा रहा है? नेक्स्ट स्लाइड आती है, उसमें मेरी बड़ी बुआ का बेटा, मेरी वाइफ की बड़ी बहन और तीसरा कौन आदमी खड़ा है ना दूल्हे वालों को पता, लड़के वालों को ना लड़की वालों को पता, और तीनों एक साथ खड़े हैं और अलग अलग खाने का एक्सप्रेशन और नीचे लिखा है 3 इडियट्स। मुझे लगा ये इंट्रो में ही मार कराएगा, चेंज करो। कितना क्लासी स्टेट था बिहार, स्कॉच पीने वालों का अलग क्लास, रम वाइन विस्की पीने वालों का अलग क्लास, देसी ठर्रा का अलग क्लास, आज जो ताड़ी पी रहे हैं तो खैर वर्ल्ड क्लास। कहते आपको पता होगा कि एक समय में बिहार में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म सुपर डुपर हिट होती थी, पता है आप लोगों को? कौन देखता था? ये हमारे प्यारे सीनियर्स, उनको ये बड़े पसंद आते थे, चंडाल, चीता, शेरा, जल्लाद, रावण राज, गरीबों का मसीहा, गरीबों के देवता, गरीबों के रखवाला, गरीबों में उन्होंने बहुत काम किया। भारत सरकार इतना गरीबों पर काम नहीं कर पाई जितना हमारे मिथुन ने किया। मुझे जब छोटा था उस वक्त मुझे लगता था कि मिथुन अगर कुछ और ऐसी फिल्में बना दे तो गरीबी जड़ से खत्म कर देंगे। पुरुषों से अनुरोध है कि महिलाओं के लाइन में ना घुसे, महिलाएं आपकी माँ बहन जैसे हैं, इनका ख्याल रखे। ए गुड्डू जी, ए गुड्डू निकोली, हटिए लाइन से, अनजान मत बनिए, लाइन से निकलिए, इतना ना आपको शोभा देता है सर।
भाभी इतना माथा टेकती है यार, इनको समझ में आता ना, ये कुछ भी कहे ना 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 कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, भ्रष्टाचार हट जाएगा, महंगाई हट जाएगा, कुछ नहीं हटेगा, हमारी सरकार आएगी तो फ्री में चिल्ड बियर बटेगा। भैया ये का पी लिए? अरे वो एपी थोड़ा था, गौमूत्र था। अब पी लिए तो फायदे करेगा, कोई बात नहीं। सर मंगाए मन हो रहा है आप? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ भैया बोलिए। एसी पंडाल में एसी नहीं लगवाया? चंदा आप लोग 100 रुपये मंगा देता है, 25 रुपये देते हैं, एसी चाहिए, पंखा लगवाएं। तो जो वो वाले टॉपर्स हैं जिनके गार्जियन पहले सर्कस में थे, 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला चढ़ के फर्रे आते हैं, तो इनके टीचर भी बहुत टैलेंटेड हैं, गजब अलग ही टैलेंट इनमें भरा हुआ है। ये बिना स्कूल जाए हुए अपना अटेंडेंस लगा दे, बिना कॉपी चेक किए हुए नंबर दे, नाम पढ़ गए, मनोहर 20, रमेश 30, राकेश 40, 40 से ऊपर किसी को जाना नहीं, सब जनरल मार्केट। विदाई चल रही है, कोई नहीं रो रहा। दुल्हन बाजू में बैठी है, मैं पूछ रहा हूँ आप रो नहीं रही? तो बड़ी प्यार से मेरी, तो बहुत स्वीट सी बीबी है, आपने बाकी वीडियोस देखा होगा, मालूम पड़ गया होगा आपको। कहती नहीं वो मेरे को पार्लर वाली ने मना किया था। अगर आप रोएंगी तो मेरी कोई गारंटी नहीं, मेकअप उतर सकता है। और क्या कहते हैं ऊपर से ये लोग कि हम लोग दारू पी के मारपीट करते हैं। बाजी वाह वाह, मारपीट करते हैं लोग। अब भूल गए कि दारू पी के हमारे लोग कितना बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, हैं? हमारे हमको गंवार रखना चाहते हैं, हमारे हाथ से अंग्रेजी का बोतल लेके हमारी अंग्रेजी छीनना चाहते हैं। गलत फहमी में मत रहिएगा, हम खड़े हो गए हैं इस बार। ऊपर से इनका ये कहना है कि हम लोग ड्रिंक और ड्राइव करते हैं। बाजी वाह, मतलब दारू पी के कार चलाते हैं। घोटाले बाजो चोर, तुम लोग घोटाले बाजों के साथ मिलकर, चोरों के साथ मिलकर, गवारों के साथ मिलकर सरकार चला सकते हो, हम दो बुंद शराब पी के कार नहीं चला सकते। मिथुन की फिल्में देख के लगती थी कि मिथुन किसी फिल्म पे नहीं किसी मिशन पे लगे हुए हैं। हर फिल्म में वो इंसाफ कर रहे होते थे, कभी बाप भाई को इंसाफ दिला रहे हैं, कभी माँ का इंसाफ हो रहा है, और बहनों की इंसाफ की तो कतार लगी हुई थी। उनका इंसाफ तो मतलब ऑन स्पॉट सॉल्व कर देते थे वो, तो उनमें ये टैलेंट था। मैंने तो एक फिल्म देखा उसमें अदालत उनसे इंसाफ मांग रही है। भैया वहां नारियल मत फोड़िए, भाभी चढ़ जाइए, नारियल फोड़ने का स्थान नहीं है। शर्मा जी आपको समझाया गया है कि पूजा उजा में आया कीजिए तो हेलमेट पहन के आया कीजिए, अभी अभी मारते ना टकला पे फोड़ देती नारियल। सरकार क्या सोचती है कि हम जो कर देंगे लोग मान लेंगे ना? अभी देखिए आप, बिहार में नागिन डांस विलुप्त हो गया। उसी तरह हमारे यहाँ सरस्वती पूजा होता है, और जिन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करना होता वो इसको और धूमधाम से मनाते हैं। उनको क्या लगता है कि माँ सरस्वती ही उनका इंसाफ कर सकती है, बाकी ये किसी प्रोफेसर का बस का नहीं। तो सरस्वती पूजा में चंदा भी बड़ी मेहनत से इकट्ठा करते थे ये लोग। मतलब सामने से कोई बोल रहा है कि भाई हम तो क्रिश्चियन हैं, माता मरियम को मानते हैं, दया महाराज माँ सरस्वती को भी मानिए, ज्ञान ही मिलेगा, दान दक्षिणा देना चाहिए, बच्चा सब पे आएगा, 25-50 रुपये में क्या रखा है लाइए। बिहार में भी शिक्षा पे बहुत जोर दिया गया, मतलब बहुत जोर दिया गया। शिक्षा मंत्री खुद सिलेबस पे बैठ गए। कोई बारात ऐसी बिहार की नहीं होगी जहां ये गाना नहीं बजा होगा, जिमी 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 आजा आजा आजा। मतलब जब तक मिथुन ना बुलाए दूल्हा बारात लेके आता ही नहीं था। क्या चाह रही है सरकार? पहले ही बिहारी लोग को पढ़ने के लिए बाहर जाना होता है, नौकरी के लिए बाहर जाना होता है, आपका पीने के लिए भी बाहर, दूसरे स्टेट का मुंह देखें। एक समय था चाणक्य, जिन्होंने कूटनीति और राजनीति के बारे में बताकर चंद्रगुप्त मौर्य जी का मौर्य वंश की स्थापना करा दी। अभी जो है मतलब उनको राजनीति और कूटनीति तो बहुत दूर की बात, वो छोड़ दीजिए, हम छोड़ दीजिए वो। इनसे खाली इतना पूछ दीजिए कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो आगे से खड़ा होकर बोलेंगे मनोज तिवारी।
राजनीति राजनीति, 5 का पहाड़ा पूछ दीजिए, 6 का पहाड़ा पूछ दीजिए, पसीने से लथपथ हो जाएंगे। संडे मंडे नहीं मारेंगे, खाली संडे का छुट्टी चाहिए।